और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, भारी पड़ रहा है नया चालान प्लान। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ई रिक्शा का 27,000 रुपए का चालान कट गया है। मतलब ये बड़ी विडंबना है कि ई रिक्शा का 27,000 रुपए का चालान कटा है। रिक्शा चालक जो है परेशान है, उनका कहना है कि 27,000 रुपए का चालान वो पूरे दिन में कमाते नहीं है तो भरेंगे कैसे। चालान से कानून व्यवस्था सुधरेगी, अब इसको लेकर संशय होने लगा है। हर सहाय के ई रिक्शा का 27,000 रुपए का चालान कटा है, यह हास्यास्पद भी है और बड़ी विडंबना भी है। एक रिक्शा चालक जो पूरे दिन में 27,000 रुपए कमाता नहीं होगा और पूरे महीने में भी बामुश्किल से 27,000 रुपए कमाता होगा, वो 27,000 का चालान कैसे भर सकता है। ई रिक्शा का 27,000 का चालान कटा है, अब संशय इस बात का है, क्या इस तरह भारी भरकम चालान से क्या ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी। ये जो कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए भारी भरकम चालान लगाया गया है, क्या इस तरह के भारी भरकम चालान से ये कानून व्यवस्था, ये ट्रैफिक व्यवस्था सुधर पाएगी। एक ई रिक्शा का 27,000 रुपए का चालान कटा है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और जरा सोचिए, क्या एक रिक्शा चालक 27,000 रुपए पूरे दिन में कमा पाता होगा और पूरे महीने में भी अगर कमा पाता भी होगा, हाल फिलहाल तो कमाता नहीं होगा, लेकिन अगर कमा भी लेता होगा तो बमुश्किल से 27,000 रुपए कमा पाता होगा। अब एक बार का चालान वो 27,000 रुपए का कैसे भरेगा, अब इसी को लेकर संशय पैदा हो रहा है, कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी।